औसर और, और सूर्य उदय में एक ही समानता है एक ही इक्वालिटी है कि देर करने वाले इन्हें जो है वो खो देते हैं बहुत बड़ी बात लिखी हुई है और ये जो चीज लिखा रहता है ना इसको जितना जल्दी हो वो आप समझने का कोशिश करिए ताकि देरी ना हो जाए समझते समझते और एक समय ऐसा आए कि आपके पास समय ही ना रहे कुछ करने के लिए तो समय अभी सभी के पास है कि आप अपने काबिलियत को प्रूफ कर सकते हैं और वो समय रहते ही करना है समय जाने के बाद कुछ कर, कर फायदा नहीं है चिल्ला कर क्लास को स्टार्ट करूंगा बोलूंगा सक्सेस की नाइनटी एट चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप सक्सेस की 98.net के वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास फोन है एंड्राइड फोन है तो आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन गूगल के Play Store से डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो आप सभी को एस रेलवे और बैंक के सारे एग्जाम का सेट आपको दिया जाएगा अभी रेलवे का नब्बे सेट आप सभी के पास मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर प्लस एस के सारे एग्जाम का बैंक के सारे एग्जाम का प्लस एक साल तक जो जो एग्जाम आएगा हर एग्जाम का सेट भी आप सभी को दिया जाएगा और इस क्लास का पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की नाइनटी एट डॉट इन के वेबसाइट से मिल जाएगा और आज कवर करने वाले हैं दो दिन के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर छब्बीस और 27 दिसंबर का तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है भारतीय वायुसेना ने कितने लाख करोड़ रुपए के सौदे में 114 लड़ाकू जेट फाइटर प्लेन जो है उसकी योजना बना रही है यानी 114 लड़ाकू जेट फाइटर प्लेन जो है वो इंडियन कंपनी कि जिनका नाम दिया गया आपका स्विफ्ट ट्रायल ठीक है और वो डील कितने में में साइन हुआ है तो डेढ़ लाख करोड़ रुपए यानी ऑप्शन नंबर आपका डी और इंडियन एयर फोर्स के चीफ का नाम क्या है तो वो है आपके मार्शल आर के एस भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है कि केंद्र सरकार ने अगले 12 वर्षों में रेलवे को आधुनिकीकरण के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है यानी अब इंडिया को जो है इंडियन रेलवे को मॉडर्न बनाया जाएगा अगले 12 साल में और इसमें कितने रुपए जो है वो निवेश किए जाएंगे तो वो किया जाएगा आपका 50 लाख करोड़ रुपए ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है विश्व के सबसे पुराना जीवाश्म पेड़ों को हाल ही में कहां खोजा गया है यह बताना वर्ल्ड का सबसे पुराना तो आप समझ सकते हो यह क्वेश्चन अपने आप में इतिहास हिस्ट्री बन गया है क्योंकि यह सबसे पुराना जीवाश्म पेड़ जो है वो खोजा गया है और यह कहां पर खोजा गया है तो यह खोजा गया है आपका न्यूयॉर्क में ऑप्शन नंबर आपका सी में ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है आईसीसी ने 2020 महिला टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए किस संगठन के साथ जो है वो भागीदारी की है और कहने का मतलब है 2020 में जो महिलाओं का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए आईसीसी ने किस संगठन के साथ डील साइन की है तो वो साइन हुआ है आपका यूनिसेफ के साथ ऑप्शन नंबर बी और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है क्वार्टर है वो कहां पर है यहां पर उल्टा लिखा गया है हेड क्वार्टर या, ये होगा आपका हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है जो हेड क्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क जो आपका अमेरिका में पड़ता है और जो यूनिसेफ की जो हेड है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका हेनरेटा एच फोर ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है अवतार सिंह मक्कड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किसके पूर्व अध्यक्ष थे यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में नाम क्या है अवतार सिंह मक्कड़ और अवतार सिंह मक्कड़ जो थे वो आपके सिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के जो है वो अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है जिनका नाम है अवतार सिंह मक्कड़ अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रोफेसर एल एस शेषगिरी राव किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है आपको मैं बता दूं प्रोफेसर एल एस शेषगिरी राव जो है वो एक लेखक थे ठीक है ये कन्नड़ के एक बहुत ही बेहतरीन लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है नाम क्या है एल एस शेषगिरी राव अगला प्रश्न हमारे सामने है और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मोदी जी ने हाल ही में न्यू दिल्ली में एसकॉम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया है सम्मेलन का विषय क्या था यह आपको बताना है और हाल फिलहाल में जो एसकॉम का एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था यह भी याद रखिएगा और इसका जो विषय जो थीम था वो यह था न्यू इंडिया एस्पायरिंग फॉर पांच मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमिक यानी पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए न्यू इंडिया आकांक्षा ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को आप सभी को पता है श्रीनिवास रामा अंजुन जो बहुत जीनियस थे मैथ का इनके जन्म जन्म दिवस के मौके पर भारत में प्रति दिवस राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर मनाया जाता है जो आपका 22 दिसंबर को हम सभी मनाते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मैसाना लुआंगा ने बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन श्रृंखला जीती है जो ये टूर्नामेंट हुआ था दो हजार उन्नीस का यह कहां पर आयोजित किया गया है ये आपको बताना है और यह जिनका नाम है आपका मैसना लुआंगा यह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है फोटो जो आप देख पा रहे होंगे ठीक है और यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था बांग्लादेश के ढाका यानी वहां के राजधानी में और आप सभी को पता है बांग्लादेश का राजधानी क्या है ढाका यहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है टाका और यहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो वो है आपका शेख हसीना अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सीवर्स फोर ए पृथ्वी संसाधन उपग्रह नाम क्या है नाम याद रखिएगा सेवर्स फोर ए अर्थ रिसोर्स रिसोर्स यानी सीवर्स फोर ए पृथ्वी संसाधन उपग्रह जो है वह अंतरिक्ष जो है कहां से लॉन्च किया गया है यानी यह या कहां के स्पेस से लॉन्च किया गया है यह आपको बताना है और यह चाइना के अंतरिक्ष सेंटर से जो है वो लॉन्च किया गया है एक क्वेश्चन और याद रखिएगा पृथ्वी संसाधन उपग्रह जो है यह चाइना और ब्राजील दोनों का है दोनों ने एक साथ मिलकर यह यो योजना बनाई इस सैटेलाइट के ऊपर काम किया है कौन कौन तो चाइना और ब्राजील दोनों मिलकर और यह कहां के अंतरिक्ष सेंटर से लॉन्च किया गया है तो आपका चाइना का और अगर बात करूं ब्राजील का भी है और चाइना दोनों का है दोनों ने मिलकर काम किया इसके ऊपर तो ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील का कैपिटल आपका क्या है ब्राजीला और मुद्रा ब्राजीलियन रियल और राष्ट्रपति कौन है तो जेयर बोलसोनारो अगर वही बात करूं चाइना का तो सभी को पता है कैपिटल आपका बीजिंग है मुद्रा रैनबिन और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो है अगला प्रश्न हमारे सामने ऑक्सीजन पार्लर ने बढ़ते वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन की स्थापना की है यानी किस रेलवे स्टेशन पर अब ऑक्सीजन पार्लर जो है ऑक्सीजन पार्लर यह स्थापित किया जाएगा किस रेलवे स्टेशन पर और इसका मेन टारगेट मेन मोटो क्या है इसका मेन टारगेट है कि वहां के रेलवे स्टेशन के जो भी नागरिक हैं उनको हवा मिल पाए और जो भी पॉल्यूशन है उससे यह बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ पाए इसीलिए उस स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर बोलकर एक आप बोल सकते हो एक सेंटर जो है वो बैठाया जा रहा है कहां पर तो महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर ठीक है ऑप्शन नंबर आपका डी अगला प्रश्न हमारे सामने है यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इंटरगल कोच फैक्ट्री ने 2015 दिन में कितने कोचों का निर्माण कर एक रिकॉर्ड बनाया है और 215 दिन में तीन हजार कोचेस यानी जो रेलवे ट्रेन के कोचेस होते हैं ना उसकी हजार कोचेस बनाकर जो है एक विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है ठीक है और एक बात मैं बोल इंटरगल कोच फैक्ट्री कहां पर है तो यह पड़ता है आपका चेन्नई में ठीक है याद रहेगा ना बिल्कुल अगला प्रश्न हमारे सामने है लोक सेवा वितरण में सुधार पर क्षेत्र सम्मेलन सरकारों की भूमिका कहां आयोजित की जा रही है यह आपको बताना है और ये किया जा रहा है आपका नागपुर में जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र कैपिटल कौन है तो वहां कैपिटल आपका मुंबई है वहां के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल तो वो है आपके भगत सिंह ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है एस जयशंकर जो हमारे भारत के विदेश मंत्री है उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री के साथ उन्नीसवा संयुक्त आयोग की बैठक की की है यह बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है यह आपको बताना है और यह बैठक आयोजित की गई है आपका ईरान का राजधानी जो है आपका तेहरान वहां पर और आज का आपका क्वेश्चन निकलकर ये आ रहा है ईरान का मुद्रा और ईरान के राष्ट्रपति कौन है ये दो चीज आपको कमेंट कर कर कॉमेंट बॉक्स में बताना है ये आपका आज का प्रश्न है अगला प्रश्न हमारे सामने है केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में कितने हुनर हट्टास आयोजित करने की योजना बनाई है अब यह है क्या पहले आप ये भी सुन लो ठीक है यह क्या है पहले आप आंसर सुन लो 100 सौ हुनर हुटास जो है वो सेंटर खुला जाएगा एक्चुअल में क्या है कढ़ाई बुनाई जितने भी आर्टिशियन होते हैं जितने भी काम करते हैं क्राफ्ट्समैन बोल सकते हो उनका टारगेट यह है कि उनको रोजगार अच्छे से मिल पाए उनको हाथ में स्किल मिल पाए इनका मेन टारगेट यह है ठीक है तो हुनार हट्स बोलकर जो है बहुत सारा सेंटर पूरे भारतवर्ष में खोला जाएगा लेकिन अगले पांच साल के लिए सौ सेंटर ऐसा खोला जाएगा इसका मेन टारगेट है जो भी कारीगर है कढ़ाई बुनाई का उनको रोजगार मिल पाए उनका मेन टारगेट ये है ये खोलने का ठीक है तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 26 और 27 दिसंबर का इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट जाकर सक्सेस नाइनटी एट डॉट इन से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखेगा ठीक है चलिए